स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 10 और मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था कि क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या टाइप होते हैं, उन सारी बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया था। फिर उसके बाद आज लेक्चर नंबर टू में मैंने डिस्कस किया था वर्ड प्रॉब्लम्स, और आज मैं डिटेल में सेशन लेने जा रहा हूँ फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स का ही, और ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर नंबर 3। स्क्वायर करते हैं,
क्यूब करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, देन देयर इज नो चेंज इन मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन देयर इज नो चेंज इन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में कोई भी चेंज नहीं होता है, आप इस चीज को समझिएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर को एक नया नेम दे देते हैं, मैंने जैसे नेम दे दिया z, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से हम लोग b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, b की वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन में a, यहां पुट कर दें z इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, dz अपॉन dA 2a माइनस 8a स्क्वायर अपॉन a a क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2a इक्वल 8a स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ये देखा 8 टू द पावर 4 इक्वल 4a स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल 2a, देन a इक्वल √2a, तो इसको हम बना रहने देते हैं, a की वैल्यू √2a आ गई, फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको क्या आता है देखें, डी टू जेड अपॉन डी ए स्क्वायर 2 प्लस 24 ए स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4, और अगर आप यहां पे देखें 2 है, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए की पावर 4 पॉजिटिव होगा, यानी कि जो ओवरऑल क्वांटिटी वो कैसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मिनिमा है, पॉजिटिव यानी कि क्या है, मिनिमा है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट टू ए, इस ए की वैल्यू को यहां पर हम लोग एक बार पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा, बी इक्वल टू हमारे पास है 2a अपॉन में a, 2a अपॉन रूट टू ए, रूट टू ए, ए और बी की वैल्यू इक्वल आ गई, ए इक्वल टू बी, सो ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, सो ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, अब देखिए ट्रायंगल आइसोसेल्स भी हो गया, और हाइपोटेनस को मिनिमा प्रूफ करना था, लीस्ट प्रूफ करना था ना, लीस्ट का मतलब एक तरीके से हमें मिनिमा प्रूफ करना था, लीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम प्रूफ करना है, ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, एक ये क्वेश्चन, द सम ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करूं, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, इसमें दो पार्ट हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, सेकंड वाला पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको करना है, the sum of perimeters of a square yahan thoda sa mistake hai beta, the sum of perimeters of a square and a circle, yahan pe circle bhi hua, perimeters of a square and a circle, sum of perimeters of a square and a circle is k, पैरामीटर से स्क्वायर का भी तो सर्कल का, सर्कल का तो पैरामीटर का
कुछ इस तरीके से है। एक स्क्वायर बन गया, एक सर्कल बन गया, ये सम पेरिमीटर। जैसे मान लीजिए इसकी साइड मैंने लेट कर ली ए, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, फोर ए प्लस टू पाई आर इक्वल टू के। सम ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ द देयर एरियाज इज लीस्ट, इनके एरिया को हमें प्रूफ करना है लीस्ट मिनिमम। एरिया मान लीजिए इसका हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हम इसको मिनिमम प्रूफ करना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये पाई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई आर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, लेकिन स्क्वायर भी रहेगा आर स्क्वायर भी रहेगा, तो फिर ए में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा पूरी तरीके से, तो फिर ए की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, आर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी, के माइनस टू पाई आर अपॉन में फोर ए, फोर ऑनली नॉट ए, के माइनस टू पाई आर अपॉन फोर, ए इक्वल टू आ जाएगा के माइनस टू पाई आर होल स्क्वायर अपॉन सोलह प्लस पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर टू के माइनस टू पाई आर, और जब फर्दर करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो माइनस का टू पाई अपॉन में 16 प्लस 2 पाई आर, डीए बाई डी आर को जीरो के इक्वल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर इंटू 2 पाई होल अपॉन 16, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल 8, तो 8 आर इक्वल टू आ जाएगा k माइनस 2 पाई आर, तो r की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, ये आ जाएगी हमारी रेडियस की वैल्यू। अच्छा प्रूफ करना है डबल, तो पहले आगे के लिए काम करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर वो तो चेक कर ही लेंगे कि डबल है कि नहीं है, तो चाहो तो पहले पुट भी कर लो, हम लोग पुट करके देख लेते हैं। वैसे डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैक्सिमा है मिनिमा आपको दिखाना है, ठीक लीस्ट दिखाना है, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, तो डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ, इसका डबल डेरिवेटिव करो बच्चों, तो ये काम कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो k पाई तो आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का 2 पाई स्क्वायर r, तो यानी कि प्लस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 पाई, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या है मिनिमा है, और अगर ये मिनिमा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, a की वैल्यू निकालते हैं, 4a का डेटा क्या है k माइनस 2 पाई r, यहां से स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दो, k माइनस 2 पाई r की वैल्यू कितनी, k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 k प्लस 2 के पाई
माइनस का 2k पाई होल अपॉन 8 प्लस 2 पाई, 2k पाई कैंसिल आउट, ये 4 है, 4 को और कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, यानी कि डबल है कि नहीं, आप देखिए आपको खुद देखने से दिख रहा है कि डबल है, यानी कि जो साइड एरिया रेडियस है वो क्या है, डबल है, जो रेडियस है वो क्या है, डबल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ विंडो इज फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरिमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। ठीक है, विंडो इज फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है, द टोटल पेरिमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। Find the dimension of the window to admit a maximum light. अच्छा, maximum light का मतलब यहाँ पे area maximum होना चाहिए. Area maximum through the whole opening. ठीक है, check कर लेते हैं हम लोग इसको. मैंने let क्या बताया? ये length हो गई हमारी 2a. अच्छा, 2a let करने से benefit इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अपने को a मिल जाएगा radius. और ये b. तो टोटल पेरिमीटर है वो क्या है, 10 है। तो देखिए बेटा 2a ये मिल जाएगा प्लस एक b पार्ट की, एक b पार्ट की यानी कि 2a प्लस 2b प्लस a है रेडियस, तो 2 पाई r टोटल होता है 2 पाई a, तो हाफ है तो पाई a हो जाएगा। ये चीज हमारे पास एक निकल करके आ गई। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम लाइट हमको बतानी है डायमेंशन के लिए। पहले तो रेक्टेंगल का एरिया 2a * b प्लस हाफ पाई a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से 2b इक्वल टू 10 माइनस 2a माइनस पाई a, 10 माइनस 2a माइनस पाई a, a इक्वल a into 2b, 10 minus 2a minus का pi a plus half pi a square, a equal to क्या आ जाएगा, 10a minus का 2a square minus का pi a square plus half pi a square, a इक्वल टू आ जाएगा 10a माइनस का 2a स्क्वायर माइनस हाफ पाई a स्क्वायर da अपॉन da, ये आ जाएगा 10a की वैल्यू 1 माइनस का 4a माइनस 2 पाई a अपॉन a 2, इट्स कैंसिल आउट, इक्वल टू 0 कर लेते हैं क्योंकि वहां से वैल्यू निकालनी पड़ती है। 10 इक्वल टू a कॉमन 4 प्लस पाई, एक वैल्यू क्या है कि 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है। अब a के बाद पहली बात तो आप उसको मैक्सिमम भी प्रूव करना है, तो d2a अपॉन da स्क्वायर इक्वल टू 10 का 0 माइनस का 4 माइनस पाई, नेगेटिव साइन है इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये मैक्सिमा है, नेगेटिव साइन है इससे क्या क्लियर होगा कि ये मैक्सिमा है। और a आपको ये दिया गया 10 अपॉन 4 प्लस पाई, अगर a ये दिया गया है तो और भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, b की फाइंड करनी पड़ेगी, तो अपने पास डेटा है ही ऑलरेडी 2b इक्वल 10 माइनस 2a, तो 2 हो जाएगा 20 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई इनटू a, तो 10 पाई अपॉन
4 प्लस पाई एलसीएम ले लेते हैं, 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई 4 अपॉन 4 प्लस पाई, 10 पाई से 10 पाई कैंसिल, 20 अपॉन 4 प्लस पाई, तो ए की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ये ए की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी बी की वैल्यू आ चुकी है। और 2a साइड थी तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 4 प्लस पाई। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इनमें से एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करूंगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है जो नलिन जो बनाया जाता है, इसमें मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट मैंने फाइंड पॉइंट ले लिया a, b व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8 यहां पर कहीं पॉइंट है, इससे नियरेस्ट है, तो मैंने इस डिस्टेंस को रिलेट कर लिया है कि ये d है। तो d की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, रूट ओवर a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देने से, क्यूब कर देने से, लॉग लेने से मैक्सिमा मिनिमा में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 8 का होल स्क्वायर, इसको एक नया नेम दे देते हैं z। एक बात और, a कॉमा b पॉइंट कर्व में सैटिस्फाई करेंगे, दैट मींस b स्क्वायर इक्वल टू 4a। ये चीज आ गई हमारी b स्क्वायर इक्वल टू 4a, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे a में कर लो या b में कर लो जिस पे आपको इंपैक्ट पड़े। तो a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, a की वैल्यू आएगी हमारी b स्क्वायर बाय 4। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, z इक्वल b स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 8 होल स्क्वायर, z इक्वल b की पावर 4 बाय 16 प्लस 4 माइनस 2 इनटू 2 इनटू b स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16b, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो z इक्वल टू b की पावर 4 बाय 16, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर आल्सो कैंसिल आउट, तो 68 प्लस 16b, dz by dv इक्वल 4b टू द पावर 3 अपॉन 16 प्लस 68 कैंसिल आउट, इट बिकम 16, 4 जा 16, dz by dv इक्वल टू 0, b क्यूब बाय 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 16, देन b क्यूब इक्वल टू द माइनस 64, सो द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4। नाउ गेट रेडी फॉर द डबल डिफरेंशिएशन, हमें डबल डिफरेंशिएशन तो करना ही है, लेकिन बिना डबल डिफरेंशिएशन के आप इस बात का डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, विदाउट डबल डिफरेंशिएशन यू कैन नॉट डिसाइड इफ दिस फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, इस बात की आप श्योरिटी मान के चले। तो मैंने d2z
अपॉन डी बी स्क्वायर को मैंने किया, जब मैं ये करूंगा तो यहां से आ जाएगा 3b² / 4 और 16 का 0, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव होगा ही डेफिनेटली, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा मिनिमा, तो नियरेस्ट कहां भी गया है, नियरेस्ट का मतलब एक तरीके से क्या होगा भाई मिनिमम डिस्टेंस ही होनी चाहिए पास में, होना चाहिए नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। अरे बी तो आ गया है, ए के लिए क्या करें, यहां पे पुट कर लेते हैं a equal to b² / 4, 16/4, that means 4, point क्या आ जाएगा, a comma b यानी कि 4 comma minus का 4, ये point आ गया हमारा, note down कर लीजिए इसको, फिर आते हैं लोग next question पे अपने। An open box with a square base is to be made of given quantity of iron sheet of area 27 square meter. So that the maximum volume of the box is this one. हमें इसके वॉल्यूम की वैल्यू को ये दिखाना है क्यूबिक मीटर, कोई इशू नहीं। अच्छा देखिए एक स्क्वायर बेस है, बेस स्क्वायर है, ये x हो गया, इसको भी मैंने x से ले लिया है। अच्छा जो हाइट है इसको मैं y लेट कर रहा हूं, हाइट मैंने ले ली है y, तो यहां पे जो एरिया है, एरिया की बात करी जाए तो एरिया क्या होगा, ठीक है टॉप को आपको नहीं लेना है क्योंकि ओपन फ्रॉम ओपन है टॉप से, यानी कि केवल आपको सरफेस मिलेगी यानी कि फ्लोर मिलेगा और चार ये वॉल मिलेंगे जिसको हम लोग LSA बोलते हैं क्यूबॉइड के केस में, तो आपको यहां पे जो सरफेस एरिया है S वो मिलने वाला है 4xy प्लस x स्क्वायर, और है क्या एरिया 27 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4xy So that the maximum volume of the box is this one. Volume हमें proof करना है। तो volume होगा क्या? हमें इसको maximum proof करना है। X into y. तो volume हो जाएगा हमारा यहाँ पर x square y. अब इसको या तो केवल y में change कर लो या तो केवल x में, किसी एक single variable में change करना है। Double variable में आप change कर नहीं सकते क्योंकि double difference मैंने मना किया। आपको सिंगल वेरिएबल में चेंज जो करना है उसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो यहां से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 27 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x, इस चीज को यहां पुट कर दें v इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 27 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, x एंड x कैंसिल आउट, v इक्वल 1/4 27x minus x cube dv by dx 1 upon 4 as it is 27 minus 3x square, फिर क्या करना है आपको dv by dx को 0 के equate करना है 1/4 27 minus 3x square equal to 0, ये जीरो में चला जाएगा तो 3x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 27, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, साइड कभी नेगेटिव होती नहीं इसलिए प्लस का 3, वैसे तो आप प्लस माइनस 3 लिखते हैं जनरली, लेकिन क्या मैंने कहा आपसे कि आप ले ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव तो होती ही नहीं है साइड, अगर साइड नेगेटिव होती तो फिर तो गड़बड़ ही हो जाता सब कुछ, आपको यहां पे मैं वॉल्यूम जो दिखाना होता वो हमेशा कैसा दिखाना था पॉजिटिव, या कोई भी एरिया है पॉजिटिव साइड पॉजिटिव, अरे डबल डिफरेंशिएशन किए बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, देखिए dv / dx हमारा यहां तक आ चुका है, अच्छा प्रूफ भी क्या करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम है उसकी जो वैल्यू है वो 13.5 है, यानी कि पहली बात तो मैक्सिमम दिखाना भी है और फिर उसकी वैल्यू भी बतानी है, तो पहले तो वॉल्यूम इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
27 बाई 4 हो जाएगा 0 माइनस का 3 बाई 4 तो अपनी जगह का इनटू 2x यानी कि आ जाएगा माइनस का 3 बाई 2x x पे हम लोगों ने फाइंड किया 3 माइनस 9 बाई 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर इससे तो कोई मतलब ही नहीं डेरिवेटिव है लेस देन आ गया यानी कि मैक्सिमम आ गया कि नहीं अच्छा वॉल्यूम तो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास x और y दोनों का डेटा ना हो दोनों ही वैल्यू होनी चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे अदरवाइज निकाल ही नहीं पाएंगे तो x की वैल्यू 3 है हमारी y की वैल्यू निकाल लेते हैं अच्छा y की वैल्यू के लिए यहां पर चलना पड़ेगा तो y इक्वल हो जाएगा 27 माइनस x स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में 4 इनटू 3 12 ये आ जाएगा 18 अपॉन 4 इनटू 3 3 6 जा 18 2 3 जा 2 2 जा यानी कि 3 बाई 2 आ गया मीटर दैट इज आल्सो मीटर और वॉल्यूम है कितना बेटा x स्क्वायर y यानी कि 9 इनटू 3 बाई 2 That means we get 27 by 2 cubic meter या meter cube. 27 by 2 को अगर हम लोग solve करें, तो आ जाएगा 13.5 meter cube. ये हमारा answer आ चुका है. तो dear students, I hope आज का lecture आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. इस तरीके के और भी बहुत सारे questions हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन ये है ये भी आपको खुद से करना है कि जैसे कि इसके अंदर एक एलिप्स है ये इस तरीके की एलिप्स है और हमसे कहा कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस के वन एंड पे है तो इस तरीके से आप लेकर के बना सकते हैं तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ट्राई करना है अभी एक लेक्चर और मैं अपलोड करूंगा और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ तो उसका आप लोग वेट करिए बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगा तो आपको बस करना क्या है हर एक वीडियो को एंड तक देखना है और ये सब आपके लिए होमवर्क के लिए है ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है आपको खुद से करना है जैसे कि मैंने ये वाला तो बता ही दिया आपको एक ये क्वेश्चन है एन ओपन टैंक स्क्वायर बेस वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेटल शीट जैसा क्वेश्चन अभी ये किया है सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है तो इस सब क्वेश्चंस को आपको खुद से भी ट्राई करना है जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएंगे सारी चीजें और बच्चों एक बात और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है जितना मैं करा रहा हूं वो सफिशिएंट तो है बट अपने लिए आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसके लिए आपको क्या करना होगा जो भी आपकी रेफरेंस बुक चल रही है ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर बुक का नेम नहीं ले रहा हूं जो आपको सजेस्ट की गई हो जो आपको अच्छी लगती हो आप उस बुक को फॉलो करिए और देखते रहिए साउथ सिटी पीसीएमबी में हमारे लेक्चर्स और आप जान ही रहे हैं मैं हूं आपका दुर्गेश तिवारी मैथमेटिक्स मेंटर और जहां पर मैं मिल रहा हूं उस प्लेटफॉर्म का नेम है यूट्यूब का साउथ सिटी पीसीएमबी पीसीएमबी नेम इसलिए है क्योंकि यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी सारी चीजें अवेलेबल हैं एक ही यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर बस आपको करना क्या है शेयर करना है वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए और एक बात और डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी वीडियोस में कि ये आपको ईयर लॉन्ग मिलने वाली है तो आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आपको अभी बिलीव होने लगा होगा कि डेफिनेटली हम लोग सिलेबस पूरा कराने वाले हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सिलेबस को बीच में रोक करके या कुछ अननेसेसरी हम लोग अलग से वीडियोस कर दें कुछ स्किप कर दें ये सब कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इसीलिए इस प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी को सजेस्ट मैं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाया जा रहा है और इसमें हमारा केवल एक ही टारगेट है आपको अच्छे मार्क्स का अचीवमेंट कराना और हमारे लिए एक रिवार्ड होगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में नए अवतार में नई एनर्जी के साथ
तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक कि मैं फिर से नहीं आ जाता हूँ नए वीडियोज के साथ।